हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीपीएल के 18वें मैच की। सीपीएल का जो 18वां मैच होगा वो होगा ट्रिबागो नाइट राइडर और जमैका तलवा के बीच में। दोनों टीमों का आप देखोगे तो जमैका तलवा जो है 4 में से 2 जीता है, 2 हारा है, और ट्रिबागो का आप देखोगे तो 5 मैचों में से जो है 2 जीता है और 3 जो है ये हारे हैं। तो आपको इस हिसाब से देखोगे तो जमैका तलवा जो है वो आगे है ट्रिबागो से, और यहाँ पे किस तरह से जो है दोनों टीमें इस मैच को जो खेल सकती है और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस जो है वो कर सकती है, ये जो आपको वीडियो को लास्ट तक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जो है मुझसे जुड़ सकते हो, और साथ ही आप कॉल फॉर डिस्कशन सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, या फिर ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये जो मैच होगा ये होगा 18th मैच होगा, ये होगा मंडे को यानी कि 6 सितंबर को, और टाइमिंग जो होगा वो बिल्कुल सुबह होगा। जैसे ही मंडे होगा वैसे ही मैच जो है ये स्टार्ट होगा, यानी कि 12 AM पे जो है मैच खेला जाएगा। वेन्यू सेम है, वार्नर पार्क संत किट्स में जो है ये मैच खेला जाएगा, और यहाँ पे ये जो है एक तरह से कभी तरह बैटिंग पिच की तरह बिहेव करता है, कभी जो है आपको फील्डिंग बॉलिंग की तरह जो है बिहेव करता है। जैसे कल के 2 मैचों में देखोगे तो एक में जो है वो 200+ रन बना, और एक में आप देखोगे तो बिल्कुल छोटा सा 1 रन जो है वो बना था। तो इस तरह से जो है पिच बिहेव करता है, अनप्रिडिक्टेबल जो है वो पिच है। और यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तक जो है 53 मैचेज हो चुके हैं, जिनमें से 22 जो है वो फर्स्ट बैट जीता है और 30 जो है वो सेकेंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज जो है यहाँ पे 165 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न का, तो स्कोरिंग पैटर्न में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है 150 से नीचे जो हो 17 स्कोर है, 150 से 90 70 के बीच में जो हो 19 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में जो है 6 स्कोर है, और 190 से ऊपर जो है 11 स्कोर अभी तक बने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे वेदर फोरकास्ट का, तो टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा कि 28 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, बारिश से 10% है, यानी कि मैच जो आपको पूरा देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का जो है इंटरप्शन जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे टॉस डिसीजन की, तो आप देखोगे जमैका तलवा जो है इसके चांसेस है कि टॉस जीतेगा, टॉस जीतकर जो है बॉलिंग करना पसंद करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ की, तब जमैका तलवा की तरफ से जो है आपको रोमन पवेल जो है ये लीड करेंगे, और ये जो है अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है इनको ज़्यादा फोकस जो है वो करना चाहिए जमैका को, कि बैटिंग जो है डिपार्टमेंट इनका काफ़ी अच्छा है, और आपको पता है कि ये 255 रन भी जो है मार चुके हैं, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है उसी के हिसाब से देखोगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा जो है वीक है। ट्रिबागो की आप देखोगे ट्रिबागो जो है लास्ट सीजन का जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन इस सीजन जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी नहीं देखने को मिल रहा है। किरण पोलार्ड जो है लीड करेंगे, और लास्ट मैच जो है 138 का था वो टाई करवा दिए, और सुपर ओवर जो है ये बिल्कुल छोटा सा रन एक टारगेट था अंदर 10 रन का, वो भी जो है ये चेस नहीं कर पाए। तो इनका जो है बैटिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि प्लेयर जो है वो नहीं है, प्लेयर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन नाम के जो है वो अभी प्लेयर हैं, अभी कोई भी जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का, तो प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल जाएगा कि जमैका की तरफ से आपको चैडविक वाल्टन, केनर लुइस, इसके अलावा जो हैदर अली, रोमन पवेल, समरक्स ब्रुक्स, इसके अलावा आंद्रे रसल, कार्लोस ब्रैथवेट, मिगेल प्रेटियस, इसके अलावा जो क्रिस ग्रीन, जेसुआ जेम्स और फिडल एडवर्ड जो है आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेइंग 11 में जमैका की तरफ से। और यहीं आप ट्रिबागो की तरफ से देखोगे तो ट्रिबागो की तरफ से जो है आपको लैंडन सिमल, सुनील नारायण, कोलिन मुनरो, टीम साइफर, टाइन वेबस्टर, दिनेश रामदीन, किरण पोलार्ड, इसरू उडाना, अखिल हुसैन, रवि रामपाल और जेडन सीरीज जो है सील्स जो है आपको देखने को प्लेइंग 11 में मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो की प्लेयर की बात करते हो, तो अगर आप किसी भी तरह का जो है फैंटासी लीग बनाते हो तो उसके लिए जो है आपको प्लेयर चाहिए, जो की प्लेयर चाहिए जिनके सहारे जो है एक अच्छा सा टीम बना सकते हो, और खासकर यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं एक सेफ टीम की, तो सेफ टीम बनाने के लिए जो है आपको प्रोसीजर लेना पड़ेगा, उसमें जो आपको अच्छे अच्छे प्लेयर जो है पिक करने पड़ेंगे ताकि एक अच्छा सा टीम जो है बना सको। और ये अच्छे प्लेयर में वैसे प्लेयर पिक करने हैं कि जो केवल नाम के जो है बड़े नहीं हो, लेकिन काम भी जो है अभी अच्छा खासा दिखा रहे हो, वैसे प्लेयर को जो आपको पिक करके चलना है। जमैका की तरफ से चैडविक वाल्टन, केनर लुइस, आंद्रे रसल, ब्रैथवेट, क्रिस ग्रीन और फिटल एडवर्ड को जो है लेके चल सकते हो। और यहीं ट्रिबागो की तरफ से जो आपको टीम छाफर, ड्रेन ब्रेवो अभी तो नहीं है इनके जगह जो है आप चाहो, तो मुंडो को आप पिक तभी करना जब आपके पास जो है ऑप्शन हो कि आप जीएल के लिए टीम बना रहे हो। किरण पोलार्ड, इसरू उडाना, सुनील नारायण और अखिल हुसैन को पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो देखोगे जमैका जो है रिसेंट 5 मैचों में से 2 जीता है, 3 हारा है, और ट्रिबागो जो है रिसेंट 5 मैचों में से 2 जीता है, 3 हारा है, यानी कि दोनों टीमें जो है आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो सेम पेज पे अभी के लिए है। और यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का, तो हेड टू हेड में आप देखोगे तो दोनों टीमें ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 19 मैचों में से 9 जमैका जीता है और 10 जो है वो आपको टेकेआर जीता है, और एवरेज रन भी देखोगे तो आप ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, यानी कि एवरेज रन आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों टीमों का जो है एक दूसरे के खिलाफ 164 का जो है वो रन बनाती है, यानी कि दोनों टीमें एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टक्कर जो है वो देती है। फर्स्ट बैट करते हुए जहाँ टेकेआर 4 में से जीता है, जमैका जो है वो आपको यहाँ पे सॉरी टेकेआर जो है 7 में से जीता है, ये टेकेआर होगा, और जमैका जो है वो 4 में से जीता है, और सेकंड बैट करते हुए जमैका 5 में से जीता है, टेकेआर जो है वो आपको 3 में से जीता है। विनिंग अभी तक का देखोगे
तो ऑलमोस्ट जो है 50-50 के आसपास रहता है, लेकिन टिकिया जो है 52% है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है 47-48% जो आपको जमीका देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो देख सकते हो आपको ये जो है आपको डाटा दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे जुड़ जाओ, और साथ ही आप कॉल फोर्टिंग सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। तो चलो आप देख लेते हैं कि ड्रीम इलेवन टीम जो हो कैसे सेलेक्ट करके बनाना है। तो बात करते हैं अब ड्रीम इलेवन टीम की। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम यहाँ पे कि विकेट कीपर डिपार्टमेंट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो टीम साइफर रामदीन और चैडविक वाल्टन है, तो यहाँ पे आप साइफर्ट को अच्छे फॉर्म में ले सकते हो, रामदीन और चैडविक वाल्टन भी जो है भी अच्छे फॉर्म में, आप इनको भी पिक करके चल सकते हो। बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग का जो है आपको यहाँ पे रोमन पवेल को जरूर ले लेना है। इसके अलावा जो है आप सम्राट ब्रुक्स जो है इनको लेकर चल सकते हो, और किनार लिविस जो है ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर में तो ऑलराउंडर में रसल पोलार्ड, इसके अलावा जो नरेने, और इसके अलावा जो ईशू राणा है ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। आप चाहो तो ईशू राणा को जो है वो पिक करके चल सकते हो, या फिर आप पुलाड़ की जगह जो भी चाहो तो नरेंद्र को पिक करके चल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है यहाँ पे रामपॉल को पिक करके चलना है, रामपॉल के अलावा जो है आपको यहाँ पे पेट्रियस को जो है पिक करके चलना है, और इसके अलावा अजय हुसैन जो है इनको पिक करके चलना है। तो ये जो है आपके पास एक अच्छा सा जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम बनाया है, सेफ टीम बनाया है, जो कि आपको अप टू 7 ओवर खेले में जो है बड़े आराम से जो है आप जीत सकते हो। इसके अलावा आपको जीवर की टीमें चाहिए तो उसके लिए जो है आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे जो आपको टीमें जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन में जो है आप बना के चल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे जो है रामपॉल को जो है वाइस कैप्टन बना के चल रहा हूँ, और कैप्टन जो है आप यहाँ पे जो है किसी को भी बना सकते हो, सारे जो है वो अच्छे फॉर्म में है। ऑलराउंडर में जो है मैं यहाँ पे जो है नरेने को जो है इस बार बना के चलना चाहता हूँ, या फिर रसल को आप बनाना चाहो तो रसल को भी चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो है आप किनार लुइस को बनाना चाहो तो उनसे भी बना के चल सकते हो। यहाँ पे मैं नरेने के साथ जाता हूँ और वाइस कैप्टन जो है रसल के साथ जाता हूँ। यहाँ से देख सकते हो आप टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ अप टू 7 ओवर आप खेल सकते हो बड़े आराम से, जीत सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको पता है, या फिर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा। और इतना देर से जो है मैं आपको बताते आ रहा था तो वहाँ उस व्हाट्सएप नंबर से भी जो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।